वीडियो में कुछ इस टाइप से एडिटिंग करेंगे। आप स्क्रीन भी देख सकते हो कितना हाई क्वालिटी फुल एचडी में हमारा फेस व्हाइट और हेयर देख सकते हो कितना अच्छे से बैकग्राउंड देख सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से एडिटिंग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, लास्ट तक वीडियो देखना गाइस। सिंपली हमारा ओरिजिनल फोटो देख सकते हो सिंपली गाइस, सॉरी, ठीक है ना। ये वाला हमारा ओरिजिनल फोटो देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्लैक और कितना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है ना। एडिट करने बाद देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा गाइस। कुछ नहीं करना, हमारा इस वाले फोटो सिंपली स्नैपचैट एप्लीकेशन में शेयर कर देना, ठीक है। सो ओके गाइस, शेयर हो तो मैं कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा जो हमने गैलरी शेयर किया। इतने बाद सिंपली पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करना और एक टीन इमेज का आइकन दे, सिंपली टू इमेज पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। टू इमेज पे क्लिक करने बाद इस तरह से ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है, जैसे तो इस तरह से ब्राइटनेस को 77 इंक्रीज कर लेना और इतना बाद इस तरह से कंट्रास्ट को प्लस कर लेना 23 और सैचुरेशन को हल्का सा माइनस कर लेना 19। इतना बाद सिंपली अमाउंट पे आना और अमाउंट को हल्का सा प्लस कर लेना 9 प्लस कर लेना। इतना बाद हाईलाइट को हल्का सा इस तरह से माइनस कर लेना, ठीक है ना, 9। इतना बाद सिंपली शेडो को इस तरह से प्लस कर लेना। इतना होने बाद सिंपली कुछ नहीं करना, फिर डन पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। डन पे क्लिक करने बाद फिर से पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करना, ठीक है ना। फिर से पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करके और सिंपली आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और इस तरह से स्क्रॉल करने बाद सिंपली आपको एक आइकन दिख जाएगा, सिंपली इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। इस वाला आइकन पे क्लिक करने बाद इस तरह से इस वाला देख सकते हो कुछ इस तरह से इस वाले फिल्टर पे इस तरह से इंटरफेस आ जाए। इस वाले जीरो कर देना इस वाले टोन को और इस वाले फिर से आना इस वाले को। इस वाले आने बाद सिंपली इस वाले आइकन को सिंपली स्किन स्मूथ को इस तरह से प्लस करना है, ठीक है ना। स्मूथिंग को 100+ स्मिन स्मूथ को, ठीक है ना, 100+ करके इसे डन पे क्लिक कर देना। देख सकते हो ज़्यादा हमारा फेस में HDR और HDR बनने लगा, ठीक है ना। स्किन भी हमारा स्मूथ हो चुकी है, आप स्किन पे देख सकते हो, ठीक है ना, स्किन स्मूथ से। इतना नंबर सिंपली कुछ नहीं करना, आपको एक आइकन दिखेगा सिंपली देख सकते हो आपको, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला आइकन दिखेगा आपको सिंपली, आपको डिटेल वाला आइकन, ठीक है ना। सिंपली डिटेल वाला आइकन पे क्लिक कर देना है, डिटेल वाला, सॉरी गाइस कट हो गया, ठीक है ना। सिंपली सॉरी गाइस, एक बार फिर से ओपन कर लेता हूँ मैं। सिंपली डिटेल वाला आइकन पे एक बार फिर से क्लिक कर देना, ठीक है ना। डिटेल वाला आइकन पे क्लिक करना, स्ट्रेचर को इस तरह हल्का सा प्लस और शार्पनी को इस तरह से हल्का सा प्लस कर लेना, ठीक है ना। इसको 19 प्लस करके फिर से डन पे क्लिक कर देना। डन पे क्लिक करने बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देख सकते हो, तुम्हारा फेस कितना ज़्यादा व्हाइट हो चुका, ठीक है ना। इतना बार फिर से पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करना और आपको एक हीलिंग का आइकन दिखेगा, सिंपली हीलिंग वाला आइकन पे क्लिक करो और हमारे फेस पे जहाँ दाग धब्बे वहाँ इसको इस तरह से टैप करना और इस तरह से रिमूव हो जाएगा। देख सकते हो जहाँ भी दाग धब्बे दिख रहे हैं जैसे फुंसी कोई पिंपल इस तरह से रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। इतना रिमूव होने बाद फिर से डन पे क्लिक कर देना गाइस, ठीक है ना। हमारा फेस बहुत ज़्यादा व्हाइट हो चुका है। इतना बार सिंपली इस वाला आइकन पे फिर से क्लिक करना। इतना होने बाद आपको एक आइकन दिखेगा, सिंपली मैं बताता हूँ गाइस। सिंपली इसे वाला टोटल कंट्रास्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। टोटल कंट्रास्ट पे क्लिक करके और इस तरह से इस वाला आइकन को सिंपली इस तरह से जीरो माइनस कर लेना और इस वाले को हल्का सा इस तरह से प्लस कर लेना, ठीक है ना। इसका इतना प्लस करने बाद हाईलाइट को इस तरह से प्लस कर लेना हल्का सा, ठीक है ना। इतना बाद इस वाला आइकन पे आना और इसको भी हल्का सा प्लस करने बाद फिर से डन पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। डन पे क्लिक करने बाद देख लो और फेस कितना ज़्यादा व्हाइट हो चुका, ठीक है ना। इतना बार सिंपली आइकन दिखेगा आपको इस वाला इस तरह से स्क्रॉल करना और इतना बार सिंपली कुछ नहीं करना आपको इस वाले सिंपली ब्रश वाला आइकन पे क्लिक करना है। ब्रश वाला आइकन है, ठीक है ना। इस ब्रश वाला आइकन पे सिंपली क्लिक कर देना। ब्रश वाला आइकन पे क्लिक करने बाद और इस तरह से टू नंबर वाला सिंपली हमारा ब्रश है ना, टू नंबर वाला, उस वाले ब्रश को एक्सपोजर लिखा हो सिंपली एक्सपोजर वाले ब्रश को ले लेना, ठीक है ना। एक्सपोजर लेके इस तरह से फेस पे अप्लाई करना है। देखो तो फेस वाइट होने लग गया, ठीक है ना। इस तरह से अप्लाई करना, हमारा फेस अच्छे से वाइट कर लेना जहाँ ब्लैक हो, ठीक है ना। इस तरह से वाइट कर लेना, देखो तो कितना अच्छा HDR में वाइट हो रहा हमारा फेस, ठीक है ना। देखो तो इतना ज़्यादा वाइट हो चुका है। फिर से डन पे क्लिक करना और फिर से डन कर देना गाइस। इतना फिर से पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करना और आपको सिंपली टू इमेज का आइकन दिखा दो। सिंपली इसी वाले टू इमेज पे क्लिक करना और हल्का सा क्वालिटी ला देते हमारे फेस में, ठीक है ना। इस तरह से ब्राइटनेस को हल्का सा माइनस कर लेना है 26 माइनस और कंट्रास्ट को इस तरह से माइनस कर लेते हैं 24 माइनस, सैचुरेशन को हल्का सा प्लस कर लेते हैं, अमाउंट को भी हल्का सा प्लस कर लेते हैं और हाईलाइट को इस तरह से हल्का सा माइनस कर लेते हैं, इसको 8 माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना। इतना बार फिर से डन पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। डन पे क्लिक करते हुए हमारे फेस में फाइनली में क्वालिटी लिया बिफोर एंड आफ्टर गाइज, इतना क्वालिटी आ चुका है। इस वाले फोटो को सिंपली शेयर कर देना ऑटोटेक्स एप्लीकेशन में, ठीक है ना। स्नैपशीट में जो हमारा फोटो था कुछ इसने ऑटोटेक्स में शेयर करता हूँ, कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इतना सिंपली इस वाला आइकन पे क्लिक करना, ठीक है ना। इस वाला आइकन पे क्लिक करने बाद एक ब्रश लेना, सिंपली वाला ब्रश लेना, आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है ना। इस वाले ब्रश से सिंपली हमें लिपस्टिक अप्लाई कर लेना, ठीक है ना। जब भी हमारा फोटो जान आ जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। इस तरह से स्क्रॉल करके और इस तरह से इस वाले फोटो को सिंपली क्लिक करके रेड लिपस्टिक ले लेना और इस तरह से फिर से कट पे क्लिक करके और इस तरह से अप्लाई करना, डुप्लीकेट लेयर बना लेना, ठीक है ना। लेयर पे क्लिक करना और प्लस वाला आइकन पे सिंपली क्लिक कर देना और इस तरह से डुप्लीकेट लेयर बनाना गाइस, ठीक है ना। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इस तरह से फिर 8 का कुछ इतना रख के गाइस इस तरह से अप्लाई करना। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह से अच्छे से अप्लाई कर लेना गाइस। देख सकते हो कितना अच्छे से हमारा लग रहा है गाइस लिपस्टिक, इस तरह से जब भी फोटो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। इस तरह से अप्लाई कर लेना जिस तरह से मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस करके आपको इस तरह से लिपस्टिक अप्लाई कर लेना गाइस, ठीक है ना। इसी तरह से लिपस्टिक अच्छे से लगने लगेगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से आप लिपस्टिक अप्लाई करने बाद इस तरह से गाइस अच्छे से बना लेना, ठीक है ना। इस तरह से रोटेट अच्छे से इसको लेना। इतना बस सिंपली आपको कुछ नहीं करना है,
सिंपली इतना होने बाद सिंपली फोटो दे सकते हो कुछ इस तरह से लिपस्टिक लग रहा है। सिंपली इतना बाद सॉफ्ट लाइट का आइकन पे क्लिक करके और नॉर्मल पे क्लिक करके यहाँ नीचे आना और सॉफ्ट लाइट कर देना गाइस। सिंपली सॉफ्ट लाइट का आइकन आप दे सकते हो, ये सॉफ्ट लाइट ठीक है ना, सॉफ्ट लाइट करके फिर से कट पे क्लिक कर देना ठीक है ना। इतना होने पर सिंपली आपको मैं ब्रश बता दूँ जिससे ब्रश अपना HDR फेस स्मूथ करता है गाइस। जब भी आप इसी ब्रश से स्मूथ करते हो ठीक है ना गाइस, सिंपली मैं ये वाला ब्रश ले लेता हूँ और आप समझते जितना ज़्यादा सेटिंग रखोगे इतना ज़्यादा हमारा फेस अच्छे से स्मूथ होगा ठीक है। फॉलो और सिंपली आप किस तरह से ब्रश यूज़ करते हो गाइस आपको मैं स्क्रीन पे बताता हूँ कुछ इस तरह से ठीक है ना। सॉरी गाइस, पहले इसको इस लेयर पे लिया था ओरिजिनल लेयर पे हमारा, सिंपली गाइस ओरिजिनल सॉरी गाइस ठीक है ना, इसको कट फिर से करना पड़ेगा और ओरिजिनल लेयर पे आने आप इस तरह से ब्रश यूज़ करते हो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ठीक है ना गाइस। मेरा ब्रश काम क्यों नहीं कर रहा क्या बताओ ठीक है ना। इस वाला सिंपली दूसरा ब्रश आप देख सकते हो, मेरा मोबाइल थोड़ा लेक मार रहा है इसलिए ठीक है ना। इस तरह से आप ब्रश यूज़ करते हो और इस तरह से हमारा फेस बिगड़ जाता है गाइस स्क्रीन पे आप देख सकते हो ठीक है ना, इस तरह से ठीक है ना। आप स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा इस तरह से ब्रश यूज़ करते हो ठीक है ना। आपको मैं ब्रश यूज़ करने का सही तरीका बताऊंगा गाइस, सही तरीके से कैसे ब्रश आप यूज़ कर सकते हो गाइस। सॉरी गाइस, हमारा फोटो कट के फिर से गैलरी में आ गया ठीक है ना, इसको फिर से ओपन करना पड़ेगा गाइस। ओके गाइस, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ अपना फेस स्मूथ करने का सही तरीका ठीक है ना। सिंपली इस वाला आइकन पे क्लिक करना और ये वाला ब्रश सिंपली सेलेक्ट कर लेना ठीक है ना। इस वाले ब्रश से आप स्मूथ कर, इस वाले ब्रश से ही फेस अपना स्मूथ करते हैं ठीक है ना। इस वाले ब्रश से स्मूथ करने बाद सॉरी गाइस कट कर कर लेते हैं और इस वाला सेटिंग देख लेना, इसको इतना सेटिंग हल्का सा माइनस कर लेना और देख लो फॉलो को रखना 13 और स्टैंड को रखना 28 ठीक है। इतना रखने बाद सिंपली इस तरह जूमआउट करना अपना फेस और फेस पे अप्लाई करना इस तरह से दे सकते हो ठीक है ना। इस तरह से अपना साइज अपने हिसाब पे रखे और पूरा फेस जूम कर लेना गाइस ठीक है ना। इस तरह जूम करके और इस तरह से अपना फेस स्मूथ करना गाइस स्क्रीन पे आप दे सकते हो कितना अच्छे से हमारा फेस स्मूथ हो रहा। और ज़्यादा इसका साइज इंक्रीज कर लेना ठीक है ना, इतना कुछ इंक्रीज करके और इस तरह से जितना साइज अच्छा इंक्रीज होगा इतना अच्छा हमारा फेस पे अप्लाई होगा दे सकते हो ठीक है ना। इस तरह से हमारा फेस HD में पूरा स्मूथ होने लगेगा इस ठीक है ना। तो साइज हल्का सा और इंक्रीज कर लेते हैं गाइस ताकि हमारा फेस अच्छे से वाइट हो जाए ठीक है। इतना साइज रखने के बाद कुछ इस तरह से हमारा फेस स्मूथ होगा स्क्रीन पर आप देख सकते हो ठीक है ना। फुल HD में स्मूथ होगा गाइस हमारा फेस इस तरह से स्क्रीन पर आप देख सकते हो कितना हाई क्वालिटी HD में हमारा फेस स्मूथ हो रहा है ठीक है ना। इस तरह से हमारा फेस स्मूथ होने लगेगा कुछ स्क्रीन पर आप देख सकते हो ठीक है ना। इसी तरह से देख सकते हो कितना ज़्यादा हमारा फेस स्मूथ हो गया गाइस, यहाँ भी फेस स्मूथ कर लेते हैं हमारा देख सकते हो स्क्रीन पर। इस तरह से फेस स्मूथ करना गाइस बहुत ही कम टाइम में आप सीख जाओगे। ऐसा करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।